विदाउट नहीं, चलिए बताइए क्या चल रहा था, काम बहुत गया था। सर्कल रे ऑफ एक्स स्टार्ट करा था हमने। रे ऑफ एक्स में क्या क्या बातें हुई थी? मिरर हो गया था कंप्लीट, मिरर के बारे में बात करनी थी सारी, स्पेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हाँ जी सर, लास्ट मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ही करा। चलिए तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी तो हमने जो बातें की थी वो रिफ्रैक्शन की थी, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एवर एक लाइट एक किसी इंटरफेस, इंटरफेस मतलब समझ लो दो मीडियम का चेंज जहां हो रहा है, ये ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है। आप बोलते हो जब भी कोई लाइट रे आती है और इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है बाउंड्री पे, तो आप बोलते हो कि जब वो इंटरफेस को क्रॉस करती है तो लाइट बेंड होती है, राइट। अपनी जो एक्चुअल बात है उससे थोड़ा बहुत बेंड होती है, दैट बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो आप बोलोगे कि सर उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो सपोज दैट ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है, नीचे ऊपर एक अलग मीडियम, तो लाइट रे जब आ रही है तो लाइट रे ऐसे आ रही होगी, ये होगी इंसिडेंट रे, और इसके बाद आप बोलते हो कि लाइट रे बेंड हो जाती है, या तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी या तो टुवर्ड दी नॉर्मल होगी। मान लो लाइट रे बेंड हो गई, एक्चुअल लाइट रे ऐसे जा रही थी बट ये बेंड हो गई, आप बोलोगे ये इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, जिस पॉइंट पे लाइट आने वाला नॉर्मल है, आप बोलते हो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप बोलते हो सर यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम ईएम वेव्स में हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप बोलते हो कि मान लो यहाँ एयर है और यहाँ पे आप बोलते हो कि मान लो कोई भी और है, ग्लास है मान लो, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है। ठीक है, एयर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा 1। तो आप बोलते हो कि सर जब भी लाइट रे यहाँ से आ जाती है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसका ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी बोलते हैं कि ऊपर वाले मीडियम का म्यू 1 है और नीचे वाले का म्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे म्यू 1 और एक ही बात है, कभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इससे डिनोट करते हैं कभी इससे डिनोट करते हैं। तो आप बोलते हो कि सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप बोलते हो सबसे पहले तो आता है स्नेल्स लॉ, पहला जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि सर जब आप म्यू 1 से म्यू 2 की तरफ जाते हो, इज इट विजिबल? हाँ सर जी सर, विजिबल लाइट विजिबल, पावर का थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं पावर अपने आप आ जाए। ठीक है, आप बोलते हैं ये स्टेप फ्लो है। वीडियो और ठीक आपकी है, ऑडियो सिंक नहीं है सर, स्टेप अलग फ्लो अलग क्या आ रही है। बोलते हैं? अभी आवाज सही आ रही है? हाँ, वॉइस क्लियर? यस सर।
मैंने कहा देखिए सेल्स लॉ क्या बोलता है, सेल्स लॉ ये बोलता है द रेशियो ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन रेशियो म्यू टू। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप बोलोगे ये जो होता है वो ऐसे लिखा था म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई वन, पहले पहले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ये होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो अगर पहला मीडियम एयर है तो उसका म्यू म्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि सर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल म्यू भी बोल सकते हो या म्यू टू भी बोल सकते हो इफ म्यू वन इज वन। अगर एयर है, पहला मीडियम एयर है तो आप बोलोगे सर सिंपली देखो ये वाला मेथड मुझे सबसे अच्छा याद रखने का लगता है, पहले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई दैट शुड बी इक्वल टू द सेकंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखो, ये हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है सर, दूसरा लॉ ये बोलता है कि सर ये तीन रेज, इंसिडेंट रेज, रिफ्रेक्टेड रेज और ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर हम इंटरफेस के ड्रॉ कर रहे हैं, दे शुड बी ड्रॉन परपेंडिकुलर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप बोलते हैं ये बेसिक टू लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन है। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं सर आपकी वीडियो और ऑडियो की सिंक ना अलग अलग हो रही है, आप बोल कुछ और रहे हो और आपकी आवाज बाद में आ रही है, ये सबको हो रहा है सर कि एक ही बंदे को हो रहा है? हाँ जी सर यही हो रहा है। चलिए मुझे भी चलिए अभी ठीक है। ठीक है, हाँ बेटा तेरे ऊपर मेरा साया जो है ना। चलिए नाउ अब हम बात करें रिफ्लेक्शन की, जैसे आपने रिफ्लेक्शन का सबसे सिलेबस बता रहे थे, जरा सिलेबस मुझे भी बता दो। मैं नहीं बताऊंगा सिलेबस, पूरी दुनिया को पता होगा सिलेबस तो भाई, सिलेबस तो नहीं पता मतलब आखिरी दिन आ गया आप लोगों को सिलेबस नहीं पता? एनीवन किसी को सिलेबस नहीं पता क्या? नहीं पता सर। जिंदा क्यों हो? पता नहीं। डीपीपी कहां तक मिली है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक मिली है सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी सिलेबस है आपका। चलो ओके सर। सो क्या बात कर रहा है? हाँ तो ये तो बेसिक आ गया, मैंने कहा रिफ्लेक्शन का सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपने लाइफ में देखा होगा कि आप क्या करते हो, पानी के बकेट में अगर आप एक पेंसिल या कोई जैसे सिर्फ वर्टिकल रॉड टाइप का तो क्या क्या करते हो, तिरछी दिखती है ना, या फिर अगर आप कॉइन या बेस आप देखते हो या कॉइन पड़ा हुआ बेस पे पानी को देखते हो तो वो आपको ऊपर दिखता है। ठीक है, तो उसी एग्जांपल की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको हम? एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कुछ और होती है और एपरेंट डेप्थ कुछ और होती है। मैंने कहा ना अगर इस टाइप से मीडियम में आपने इस टाइप से यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसकी अगर एक्चुअल डेप्थ ये है देखो डी है, जब आप ऊपर से देखोगे तो ये पॉइंट आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, मतलब ये आपकी एपरेंट डेप्थ है। तो आप बोलते हो कि इसका मीडियम अगर आप बोलते हो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ पे क्या है एयर है, यहाँ पे क्या है एयर है, तो आप बोलोगे जो एपरेंट डेप्थ होगी डी एपरेंट
स्टार्ट इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन ये, दिस इज योर एपरेंट डेप्थ राइट। अगर आपको एपरेंट डेप्थ पता करना है तो आप बोलोगे दैट इज बेसिकली ये एक्चुअल डेप्थ थी, आप बोलते यहाँ देखे ये पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा तो दिस इज दी एपरेंट, आपको दिखेगा कि टॉप ऊपर दिखेगा तो आप बोलते एक्चुअल। ये कब होगा जब आप यहाँ पे आपने बोला कि सर अगर कोई भी मीडियम रेयर कब कहलाता है और ऑप्टिकल डेंसर कब कहलाता है, मैंने कहा सर अगर अगर मेरा मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू दी सेकंड वन, ये रिलेटिव टर्म होता है, सेकंड के टर्म में पहले का अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो ये बोलेगा पहला जो जिसका कम है दैट विल कॉल्ड रेयर, और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डेंसर। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, ये चीज आपको कराना चाहिए। तो ये जो एपरेंट डेप्थ का कांसेप्ट लगाया हुआ है ये ध्यान रखना, ये तब है जब आप एक रेयर मीडियम से देख रहे हो, ठीक है, और आप डेंसर मीडियम को देख रहे हो, ठीक है। अगर आप बोल तो ये उल्टा देख रहे हो, अगर मैं बोलूं यहां से देखूं इसकी पॉइंट की तो उसको एपरेंट हाइट भी बोल देते हो आप, है ना। मैंने कहा मान लो कि आप एक फिश है, फिश ऊपर होती हुई एक बर्ड को देखना चाह रही है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर मान लो फिश यहाँ है, एक्चुअल हाइट तो ये है ना, बट इसको जो हाइट है वो और कम कर देते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा एक्चुअल हाइट तो यहाँ है बट इसको ये पार्टिकल यहाँ लगेगा राइट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बन रही होगी, That is apparent height, ठीक है। मैंने कहा सर ये एयर है इसका और ये वाटर है, ठीक है, तो अब आप अंदर से देख रहे हो, डेंसर मीडियम से देख रहे हो तो आपको ये ज्यादा दिखेगा, जबकि रेयर से देखोगे तो ये जो डिफरेंस है कम दिखेगा राइट। तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर मैं एच एपरेंट निकालने जाऊँ तो एच एपरेंट होगा बेसिकली म्यू इंटू एच, यहाँ पे देखो डी बाय म्यू है, यहाँ पे म्यू इंटू एच है, ये एपरेंट हाइट से ज्यादा होगा। हाँ सर नॉर्मल हाइट से एपरेंट हाइट ज्यादा होगी अगर आप एयर में देखिए, एयर के लिए बात करूं मैं, एयर और वाटर या यहाँ कोई भी मीडियम है उसका मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू होना चाहिए, ठीक है। और ये डेप्थ की बात करते हैं, तो ये तो बातें होगी एपरेंट डेप्थ की, ठीक है। मैंने कहा सर अगर चलिए इसको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, मैंने कहा सर अगर मान लो ये एक ग्लास स्लैब, ठीक है, सबसे पहले तो आप बोलोगे कोई भी आप लाइट रे को एंटर कराओगे, लाइट रे आप बोलोगे रिफ्लेक्ट होगी टूवर्स, जब भी डेंसर मीडियम है रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आप बोलोगे ये ग्लास है तो आप बोलोगे ये एयर है तो ऑब्वियसली कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप बोलोगे कि सर ये दूसरे मीडियम में जाए तीसरे मीडियम में जाए, अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम है, ठीक है, तो आप बोलोगे जो लाइट रे होंगी वो पैरेलल निकलेंगी, लाइट रे होंगी वो कैसे निकलेंगी पैरेलल निकलेंगी, अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम है तो आप बोलोगे लाइट रे कैसी होंगी पैरेलल निकलेंगी, और ये जो फाइनल एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंस मतलब जिस एंगल से लाइट रे आ रही है जो एकदम इमर्ज होकर आ रही है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो ये, तो अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम होगा, बीच में कितने भी मीडियम लगे रहे तो एक तो लाइट रेज कैसी होंगी पैरेलल होंगी, हाँ सर बिल्कुल होंगी पैरेलल। और आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में आपने बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब पहला और आखिरी एंगल कैसा हो, पहला और आखिरी मीडियम कैसा हो सेम हो, बीच में कितने भी मीडियम बने रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब इससे होगा क्या, मानेगा एक्चुअली हो
होता ये है कि सर मान लो कि अगर ये एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है लाइट रे यहाँ से चल रही है, बट एक्चुअली इसको आप जब देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये लाइट रे कैसी अटकी दिखेगी, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है ना, तो आप बोलोगे ये शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इज शिफ्ट हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, अगर इसकी ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है और ग्लास स्लैब का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट कैन बी मेजर्ड एज, ये जो शिफ्ट हो रही है इस कैन बी मेजर्ड एज टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। शिफ्ट कैन बी मेजर्ड एज टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब जरा देखो, अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है इसका मतलब ये शिफ्ट हुआ है इधर की तरफ, है ना। और अगर ये शिफ्ट नेगेटिव आए तो समझ जाना कि सर ये शिफ्ट इधर हुआ है, इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है तो ये शिफ्ट इधर की तरफ हुआ है। ठीक है, बट शिफ्ट का फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। समझ में आया कि जब भी ये ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब की वजह से जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था वो अगर आपको आगे या पीछे दिखाई देगा वो शिफ्ट हो जाएगा, आपको जब भी ग्लास स्लैब के थ्रू आप इसको देखते हुए। ठीक है, वो जो शिफ्ट है उसका फॉर्मूला ये आएगा टी, टी क्या है यहाँ पे थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है इट मीन दैट शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर शिफ्ट नेगेटिव है दैट मीन इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, बट शिफ्ट का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल रिमेन द सेम। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली आप बोलोगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, ये तो बात हुई ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन। नाउ इसमें एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप बोलोगे सर बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं बोलूं एक डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे को भेजूंगा तो आपको पता है कि लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने कहा सर अगर मैं इसको इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दूं तो ये ओवर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके एक ऐसी लाइन आ जाएगी, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा जिसमें ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर ऐसे चली जाएगी, पैरेलल टू द सरफेस चली जाएगी। अगर मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा और शिफ्ट किया तो अब क्या होगा सर, अब जो लाइट रहे वो रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे हो रहा ना, आपने शिफ्ट करते हुए गए तो आप बोलते ये लाइट रे बेंड हो गई, बेंड हो गई, एक ऐसे एंगल पे लाइट रे ऐसे पैरेलल टू द सरफेस चली गई, और अगर उससे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा तो तुरंत रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने लगेगा। तो आप बोलोगे दिस इज अ क्रिटिकल एंगल, राइट, आप बोलोगे इस एंगल तक ये रिफ्लेक्शन था, जब आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो ये चीज तब होगी जब आप डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन करा रहे हो, मान लो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीन यहाँ से अगर आप म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू विल बिकम साइन आई सी की वैल्यू जो निकालोगे साइन आई सी विल बिकम 1 माइनस and this IC is called critical angle, कुछ लोग इसको sin C भी बोलते हैं ना, that is called critical angle, it means if the angle of incidence is greater than this angle of critical angle, then the refraction will not happen, in fact internal total internal reflection will happen, इसीलिए इसको नाम दिया गया total internal reflection। देखो reflection होने पे समझ में आ रहा है, total internal word क्यों दिया गया, देखो जब भी कोई light ray mirror पे गिराते हो तो आप बोलते हो कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बट कुछ ना कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही केस आप ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करो, जब लाइट रे आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया पे गिराते हो तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट रे वहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसमें जरा देखो कि सर कुछ लाइट तो ऑलरेडी पहले ही रिफ्लेक्ट कर रही थी, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही थी, बाकी मैक्सिमम 95% लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही थी, आप जो रिफ्लेक्ट कर रही थी वो भी आपने रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर दी, तो इसका मतलब ये है कि इस केस का जो रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन से बेटर रिफ्लेक्शन है।
अरे आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्शन के फॉर्म में मिल जाती है, जबकि नॉर्मल रिफ्लेक्शन में 5% लाइट तो आप बोलोगे रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कई सारी आपकी फिजिकल एप्लीकेशन का रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मिराज फॉर्मेशन में सर मिराज फॉर्मेशन होता है, वो भी इसी का मेन रीजन होता है कि जब भी आप बहुत गर्म एरिया में जा रहे हो तो ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होता है, अलग अलग जो लेयर्स है वो एयर की वो हीटेड होती है और उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। सबसे ज्यादा हीटेड होती है अर्थ के कॉन्टैक्ट में, जैसे ऊपर चले जाओगे आप बोलोगे उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है। तो अगर सामने बहुत दूर से एक पेड़ की जो लाइट है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है और ऐसे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर आपको दिखती है, तो आपको क्या लगेगा वो जो इमेज है वो आपको नीचे दिखने रहती है इन्वर्टेड सी, तो आपको लगेगा कि यार ये पेड़ की इमेज हमें उल्टी इन्वर्टेड कहाँ दिखेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी है। बट कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू दी एयर लेयर्स, काफी एयर लेयर्स की वजह से होता है। तो ये एक मेन एप्लीकेशन है। आप बोलोगे ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम यूज करते हैं, लाइट रे हम क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर जानते हो, ऑप्टिकल फाइबर में टाइप से होते हैं, आप लाइट रे यहाँ ऐसे भेजते हो और आप बोलते हो कि सर ये लाइट रे ऐसे आप, बेसिकली ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे एक ऐसा फाइबर है जिसकी वजह से इंटरनल रिफ्लेक्शन बोर कर जाते हैं और ये इसी तरीके से लाइट रे आपकी आई होती जाती है। मैंने कहा रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी वेरी लेस, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल का लॉस होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक एप्लीकेशन की तरह यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो बातें थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी दो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, आधा सर्कल है। तो आप बोलते हो यहाँ से एक लाइट रे आएगी इस प्रिज्म को हिट करके और परपेंडिकुलर डालो सरफेस पर तो ये परपेंडिकुलर है। देखो इसको एंगल बोलते हैं आर वन और इसको एंगल बोलते हैं आर टू और ये जो एंगल है आप बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। आप देखो एक्चुअली ये लाइट रे है वो ऐसी जानी चाहिए थी बट वो गई किधर, देखिए लाइट रे जो अपना पाथ है वो ही चेंज हो गया ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसी चली जाती बट ये लाइट रे गई कैसी ऐसी। तो आप दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या बोला था एंगल ऑफ डेविएशन। अब प्रिज्म के लिए कुछ कंडीशन होती है ज्योमेट्री से आती है, वो क्या होती है ए एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन शुड बी इक्वल टू आई प्लस ई, पहली कंडीशन तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन है जो ए होता है वो होता है आर वन प्लस आर टू, ये होती है कंडीशन नंबर टू। ये दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट। अच्छा चलिए, मैंने कहा सर अब बात करते हैं हमारे लिए जो स्पेशल केस आते हैं सर वो है मिनिमम एंगल मिनिमम डेविएशन का होगा, मिनिमम डेविएशन। जब डेविएशन की वैल्यू मिनिमम हो, हम चाहते हैं कि डेविएशन कैसा हो मिनिमम, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे ये डेल्टा एम बोला जाएगा, जो डेल्टा है उसको डेल्टा एम बोला जाएगा
और ये मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आप बोलोगे जब i की वैल्यू जो होगी वो e के बराबर होगी। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एक तो ये। दूसरा आप क्या बोलोगे, जो आर वन है और आर टू है वो भी बराबर हो जाएंगे, और आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू के बाय 2, भाई r प्लस r a हो जाएगा ना, तो एक r1 और r2 जब बराबर होंगे तो किसके बराबर होंगे, a बाय 2 के बराबर होंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे जो म्यू है, म्यू मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो एक रिलेशन लिखा जाता है उसके लिए, एंड दैट इज बेसिकली, यहां से अगर आप i निकालना चाहो इस फॉर्मूले में डेंसिटी वैल्यू पहले रख दोगे, है ना, आप बोलोगे और i और e बराबर रख दोगे तो आप बोलोगे जो i है वो आएगा a प्लस डेल्टा m बाय 2, एक तो ये। दूसरा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन आता है वो आता है साइन ऑफ, ठीक है, आई ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो और मिनिमम एंगल ऑफ रेडिएशन पता हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आप ये होते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, इसका बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम थिन प्रिज्म के बारे में ही बात करें, सो व्हाट इज थिन प्रिज्म, सर थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि जो ए होता है वो वेरी स्मॉल होता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो कैसा होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल होता है तो हम उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर वेरी स्मॉल होता है तो आप बोलते हो जो डेविएशन है, डेविएशन का फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो बन जाता है केवल म्यू माइनस, ठीक है। और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे, आगे हम जो पढ़ने वाले हो बेसिकली सारे के सारे आप किसकी बात करने वाले हो, बेसिकली थिन प्रिज्म के बारे में ही बात करने वाले हो, ठीक है। इज इट क्लियर? This formula, yes, sir. Is very important. This formula is very, very important. इसमें देख लीजिए, कहीं अगर आपको डाउट हो तो। ब्लर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, बात करते हैं डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या होता है, देखो डिस्पर्जन आप लोगों को पता है वो जो रेनबो फॉर्मेशन टाइप का जो आप बोलते हो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, ये होता है डिस्पर्जन। देखो ये थिन प्रिज्म है, मान लो यहाँ से एक लाइट रे जब जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी और इसके बाद क्या होगा, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में ब्रेक होगी, यहाँ सबसे ऊपर रेड मिलेगा और सबसे नीचे वायलेट मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, आप बोलोगे कि सर डेविएशन का फॉर्मूला होता है थिन फिल्म के लिए म्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, ठीक है। अब द थिंग इज कि सर अलग अलग लाइट रे का आप बोलते हो कि अगर अलग अलग कलर की लाइट रे होते तो उनके लिए जो वेवलेंथ है वो भी कैसी होगी, अलग अलग होती, और कॉची फॉर्मूला क्या बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर,
कहने का मतलब क्या है कि सर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए म्यू कम होगा, ठीक है, और अगर म्यू कम होगा तो डेविएशन कम होगा। तो यही हो रहा है कि सर सबसे ज्यादा लैम्डा इन कलर में रेड के लिए होता है, तो इसीलिए रेड लाइट कम डेविएट हुई, रेड लाइट कम डेविएट हुई, जबकि वायलेट के लिए सबसे कम आप बोलते हो वेवलेंथ होती है, तो आप बोलते हो इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएट ये होगी। तो इसीलिए आपको ये जो ऐसे विजुअल इस फॉर्मेट में मिलता है, नीचे से वायलेट से लेके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये ऐसे डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो लाइट से आप बोलते हो कैसे डिस्पर्स हो जाता है, अब इसमें होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। अभी एंगल ऑफ डिस्पर्सन एक बेसिकली आप बोलोगे ये क्या होता है कि सर ये जो डेविएशन हुआ, ठीक है, ये जो डेविएशन हुआ सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें हुआ, आप बोलोगे वायलेट में, और सबसे कम डेविएशन किसमें हुआ, आप बोलोगे रेड में। तो आप बोलोगे ये जो इन दोनों में डेविएशन का डिफरेंस है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, इनके डिफरेंस को आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, आप डिस्पर्सन। इसके बाद होता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर बेसिकली क्या है, आप बोलोगे डिस्पर्सिव पावर को हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन, आप बोलोगे कि मीन डेविएशन, क्या बोलोगे, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है कि सर इनका एवरेज, तो एवरेज तो निकालने का तरीका कि जो आपका डेविएशन ऑफ येलो कलर आता है उसको हम एवरेज मान लेते हैं, जो इनके एकदम बीच में होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, रेड का सबसे कम होगा, आप बोलोगे जो येलो कलर होगा जो बीच में होगा उसका हम मान लेते हैं कि यानी एवरेज है दोनों का। तो इसी को हम अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो देखो डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड अपॉन डेविएशन ऑफ येलो कलर, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। अगर हम डेविएशन की वैल्यू इस फॉर्मेट में रखें, देखो डेविएशन ऑफ वायलेट कलर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे म्यू फॉर वायलेट माइनस वन टाइम्स ऑफ टी, ऐसी रेड के लिए भी होगा येलो के लिए भी होगा, तो जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस, ये फॉर्मूला हो जाता है डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड। अब बात हम करेंगे सर ये डिस्पर्सन तो होगा, अब मैं एक से ज्यादा प्रिज्म को कंबाइन करूंगा और मैं चाहूंगा कि डिस्पर्सन जो हुआ था उसको रोक लो, ये डेविएशन ऑफ लाइट जो हो रहा है उसको रोक लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हम कॉम्बिनेशन करेंगे प्रिज्म के, तो दो केस होंगे वो हम बात करेंगे, पहले आप इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, इसके स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस पर डाइट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये हो गया ठीक है, सो नो डाउट। No, sir. सर ये म्यू वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए है, म्यू वी वॉयलेट के लिए है, ये रेड के लिए है, ये येलो के लिए है। तो सर प्रिज्म का म्यू तो सेम होगा ना बेटा, ये तो बोला कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, म्यू भी आपका लैम्डा में डिपेंड करता है, तो अलग अलग लैम्डा के लिए वेव्स के लिए आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी अलग अलग डिफाइन होता है, ओके सर, ठीक है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना ही म्यू कम होता है, ठीक है। तो म्यू कम है तभी तो डेविएशन कम ज्यादा आ रहा है, अगर म्यू सेम होता तो फिर डेविएशन भी सेम होता, फिर डिस्पर्सन होता ही नहीं, ठीक है। हां जी सर, ओके, चलिए अब हम चाहते हैं कि सर इसमें हम किस टाइप से कंबाइन करते हैं। चलिए एक प्रिज्म ऐसा था, हमने एक सिमिलर प्रिज्म अलग, अगर मैंने इसको ए बोला है तो इसको ए डैश बोल दिया, अलग अलग, तो दो प्रिज्म को इस तरीके से कंबाइन कर देते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो पहला केस बनता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब सर डिस्पर्सन तो हो बट डेविएशन ना,
डिस्पर्जन तो हो बट डेगेशन ना हो, मतलब ये लाइट रे इधर से इधर जाके किसी भी तरीके से ऐसे जाएगी कि लाइट रे ऐसी गई फिर ऐसी गई और इस तरीके से, तो आप बोलोगे सारी लाइट रे आपको ऐसे दिखेगी। यहाँ पे देखिए डिस्पर्जन तो हो रहा है बट आप बोलोगे ये लाइट रे और ये लाइट रे जो इसका एक एवरेज वाली निकलेगी वो पैरेलल आएगी, मतलब डेविएशन नहीं होगा, लाइट रे का जो पाथ है उसी के पैरेलल निकल के जाएगी जो मून वाले होगा। आप बोलोगे डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए तो डेविएशन कैसा होगा, जीरो होगा, है ना। आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में अगर आपको डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन करना है तो आपको डेविएशन जीरो होना चाहिए, इसकी वजह से डेविएशन कितना होगा, ठीक है। आपको पता है एक एवरेज वैल्यू हम बताएं तो इसके लिए आप बोलोगे म्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ ए, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आप बोलोगे सब म्यू डैश मान लो, तो आप बोलोगे म्यू डैश माइनस ए वन टाइम्स ऑफ ए डैश, ये डेविएशन पहले की वजह से होगा और ये डेविएशन दूसरे की वजह से होगा। आप बोलोगे कि सर ये दोनों ही डेविएशन उल्टे होंगे, है ना, ये रिप्रेजेंट उल्टा लगा है। अगर दोनों विदाउट डेविएशन है इसका मतलब ये जितना डेविएशन इधर करा रहा है लाइब्रेरी का ये डेविएशन ऊपर की तरफ करा रहा होगा, दैट मींस दोनों डेविएशन कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन आती है विदाउट डेविएशन वाली वो ये होती है कि दोनों का जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ठीक है। ये अलग अलग उनके प्रिज्म एंगल्स हैं और ये उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। हो दूसरा केस आता है कि सर आप चाहते हो कि डेविएशन तो हो जाए, डेविएशन तो हो जाए बट डिस्पर्जन ना हो, मतलब इस केस में आप बोलोगे डिस्पर्जन जीरो है तो इसकी वजह से जो डिस्पर्जन होगा और इसकी वजह से डिस्पर्जन होगा वो दोनों कैसे हो, इक्वल और ऑपोजिट हो। डिस्पर्जन का आप बोलोगे डिस्पर्जन इक्वल रखने के लिए आप बोलोगे बेसिकली क्या करोगे, इन दोनों के डिस्पर्सिव पावर को उठा के इक्वल करोगे, क्या करते हो बेसिकली जो कंडीशन आती है यानी ओमेगा इनटू डेविएशन इज इक्वल टू ओमेगा डैश इनटू डेविएशन, मतलब बेसिकली दोनों के डिस्पर्सिव पावर और डेविएशन का जो प्रोडक्ट है वो सेम हो, आप बोलते हो सिंपली डिस्पर्सिव पावर सेम होनी चाहिए। तो आप सॉल्व करके आओगे तो देखो म्यू पी माइनस म्यू आर इनटू ए शुड बी इक्वल टू म्यू डैश पी माइनस म्यू डैश आर इनटू ए, ये कंडीशन होती है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब डिस्पर्जन नहीं होगा। आप बोलते हो कि लाइट रे ऐसी आएगी, लाइट रे ऐसी आई इधर पे और इधर डेविएट इधर डिस्पर्स हो, एक्चुअली डिस्पर्स हो, लेकिन ये प्रिज्म लगा था इधर, ये प्रिज्म ऐसे लगा था कि उसमें बाद में सबको कंबाइन कर लाइट रे फिर एक ही निकल गया। अब डेविएशन यहाँ हो सकता है बट यहाँ पे कोई भी डिस्पर्जन नहीं होगा, नहीं तो ये दो कंडीशन है, एक वन इज कॉल्ड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सो दिस इज दीस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इनसे टाइपिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये सब आपके जो रिफ्लेक्शन थे वो प्लेन सर्फेसेस के थ्रू है। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू दी कर्व सर्फेसेस, ठीक है। अभी आपकी जो बाउंड्री थी वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लेन जैसी होती थी, अब आपकी जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, वो कर्व, ठीक है। इसमें देखो एक डाउट को पूछो, कुछ भी डाउट हो तो पूछे। अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं।
So now we are going to talk about the refraction through a atmospherical surface. अब आपने बोला अभी तक आपने देखा कि लाइट रे एक बाउंड्री पे गिर रही होती थी, बट अब आप बोलते हो कि अब जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन या पैरेलल जैसी नहीं होगी, वो प्लेन की तरह नहीं होगी, अब वो कर्व स्फेरिकल सरफेस की बात है। वो स्फेरिकल सरफेस मतलब वही एक बड़े से स्फीयर जैसे आपने मिरर को काटा, मिरर को काट के आपने एक साइड को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप सिल्वर नहीं करेंगे, अब वो ट्रांसपेरेंट रखना है। तो मैंने कहा मान लो देखो ये एक कर्व सरफेस है, यहाँ पे मीडियम अलग है और यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है, या आप बोलते हो यहाँ पे म्यू वन है और यहाँ पे म्यू टू है, एक अलग मीडियम है। आप देखो जब लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइट रे जब यहाँ से जा रही होती है, देखो यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल क्या होता है सर, सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लॉइन जो ज्वाइन करती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं यहाँ पे, राइट। तो आप बोलते हो कि सर यहाँ पे भी आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। आपने बोला कि मान लो इसको बीच में रख लेते हैं, एक सेंटर पे ऐसे एक्सिस, मान लो यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, अब देखो इस पे नॉर्मल क्या होगा, ये सेंटर से जॉइन करने वाली लाइट है, ये आपकी नॉर्मल होगी। और लाइट रे अब मैंने कहा मान लो कि रिफ्लेक्ट होके आप बोलते हो लाइट रे ऐसी, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टिव रे है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। आप बोलते हो कि सर यहाँ से अगर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसको यू बोलेंगे, और यहाँ कहीं इमेज बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये बेसिकली वी है, ठीक है। मान लिया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जो कर्व सरफेस है इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये भी स्फेरिकल पार्ट है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे इस केस में, जो एग्जाम आप बोलते हो वो क्या होता है, म्यू टू by v minus mu 1 by u is equal to mu 2 minus mu 1 या mu 1 minus mu 2 जैसा भी आप चाहो लिख सकते हो, ठीक है, mu 2 minus mu 1 या फिर आप बोल सकते हो कि mu 1 minus mu 2 mu 2 minus mu 1 upon, अब इसमें जो वैल्यू रखनी होती है वो बेसिकली आप क्या बोलोगे, प्रॉपर साइन के साथ रखनी है, राइट। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ये है तो आपसे कोई पूछे इमेज डिस्टेंस कितनी दूर बनेगी इमेज, ठीक है, अगर आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो या फिर म्यू 1 या म्यू 2 दे रखा, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एंड दी वैल्यूज, राइट। एक वैल्यू आपको पता होगी और दूसरी, तो देखिए ये जो सरफेस है ये कैसा है, कर्व सरफेस है और ये उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बोलते हो जिसको रिफ्लेक्शन टू दी कर्व सरफेस। आप क्या करोगे यहाँ पे कर्व सरफेस, आपने क्या किया यहाँ से भी एक कर्व सरफेस लगा दोगे, यहाँ रोक दोगे, केवल इतने में एक नया मीडियम होगा, इधर और इधर सेम मीडियम हो जाएगा, तो लेंस बन जाएगा। तो अब रिफ्लेक्शन कितने बार होगा, दो बार होगा, एक इस वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा और एक इस वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, और कंबाइन होकर जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली एक लेंस की इक्वेशन होगी, राइट। तो अभी केवल एक कर्व सरफेस है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंस, इट्स अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व सरफेसेस, ठीक है। लेंस है क्या बेसिकली, लेंस है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर्व सरफेस, तो आप बोलोगे वही आपका क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही चीज ध्यान रखना कि सर इसमें जो डायरेक्शंस हैं, जो साइंस कन्वेंशन हैं, वो आपको वही फॉलो करना है, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आपने डिस्टेंसेस सारे कहां से मेजर करोगे, यहां से, ठीक है। आप बोलोगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आपको मेजरमेंट करना है तो वो वैल्यूज पॉजिटिव रखी जाएंगी, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन अगर आप कोई भी मेजर कर रहे हो वैल्यूज, तो वो कैसी रखी जाएंगी सर, वो नेगेटिव रखी जाएंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है जी सर। नाउ we are going to talk about lenses, ठीक है। Now अब basically क्या होगा कि curve surface, एक इधर से curve surface लिया, एक इधर से curve surface लिया, और ये जो दूसरा medium था वो हमने एक region में confine कर दिया, बाकी दोनों region में air है, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं lens। अब ये चीज ध्यान रखना, lens बहुत thin होते हैं, हम जो भी formula पढ़ने वाले हैं वो thin lens के लिए, मतलब बहुत ही thin है, ये जो curve surface के बीच की जो space है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जो भी formula हम पढ़ेंगे वो हम किसके लिए पढ़ेंगे, thin lenses के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए then अब आपके बैठे दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मैं उनको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस के नाम से पढ़ता हूँ, क्योंकि एक कॉनकेव लेंस या एक कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कॉनकेव लेंस को आप डाइवर्ज, चलिए
अभी सही चल रही है, जब ब्लर हो जाए तो बता, ठीक है? ट्विटर यूज कर रहा हूं। हां मैंने कहा सर कॉनकेव लेंस कैन एक्ट एज बोथ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस कैन एक्ट एज बोथ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, राइट? इसीलिए हम केवल और केवल कन्वर्जिंग लेंस पढ़ेंगे और डाइवर्जिंग लेंस पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है? ये जो लेंस है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है? इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, राइट? और इसको हम बोलते हैं कॉन्केव, ये है कॉन्वेक्स, इसकी कॉन्वेक्स भी बोलते हैं क्योंकि दोनों साइड कॉन्वेक्स है, राइट? इसको हम इसकी कॉन्केव भी बोलते हैं, राइट? हमें लेंसेस कई सारे कौन है, इसको इसकी कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है? सिमिलरली हम इसको इक्वी कॉन्केव भी बोलेंगे। अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि सर ये आपका एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जबकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। मैं कहता हूँ नहीं, इवन ये भी कन्वर्जिंग हो सकता है और ये भी कन्वर्जिंग हो सकता है। आप जो कंडीशन की बात सर ब्लर हो गई, वो एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हो जब बाहर आपका सर ब्लर हो गया है। अभी तो क्लियर हो गया, क्लियर है सर, क्या बोलते हो? क्लियर है ना? चलो दोबारा ब्लर हो तो बताना। मैंने कहा जब ये हम ये मान के चलते हैं कि लेंस ग्लास का बना है और आसपास एयर है, और यू कैन से दैट आसपास एयर है और बीच में डेंसर है, तो हमने जो कन्वर्जन इनको बोल रखा है वो इस कंडीशन के लिए है। अगर इस कंडीशन को उल्टा कर दिया जाए, बायर कर दिया जाए, तो यही लेंस उल्टा बिहेव करने रहेगा, ठीक है? चीज को ध्यान रखें, मतलब अगर मैं इसी ग्लास को और किसी डेंसर मीडियम में डिप करा दूं तो यही कन्वर्जिंग लेंस विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, हम जो कंडीशन पढ़ेंगे सारी कन्वर्जिंग लेंस की और डाइवर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है? चलिए जाए। अच्छा फिगर, फिगर जो इमेज फॉर्मेशन के फिगर आप बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के आपको पता थे, इसी तरीके से आप जो कॉनकेव मिरर के थे, जो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन थे एग्जैक्टली वैसी की वैसी यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस के लिए होती है, राइट? तो आप बोलते हो कि वही बात है, कन्वर्जिंग लेंस देखो इसमें दो फोकस होते हैं, है ना? प्राइमरी फोकस और एफ वन और एफ टू बोलते हैं, ये एफ है ये भी एफ है, यहाँ से सेंटर देखो ये वाले कर्व की बात करें, ये वाले कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का ही होगा, और इस वाले कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का होगा। हो यार इतना देर में तुम लोग रिप्लाई करते हो यार कि मेरा माइक ऑन नहीं है। चलिए अभी ऑन है, टाइम लगा लेते हो यार। हाँ जी सर, ये ऑन बीच में बंद हो गया था कि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, इसका सिर्फ बंद हो गया था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था गलती सर। चलिए हाँ क्या बोलो था, तो बेसिकली आप बोलोगे अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो यहाँ पे इमेज इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी, अभी भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी,
अब अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में शिफ्ट होगा तो आप बोलोगे जो आपकी इमेज है, इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफाइनाइट की तरफ शिफ्ट होगी। अब साइज बड़ा बनने लगेगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बट आप कैसा हो जाएगा, साइज आपका बड़ा होने लगेगा। ठीक है, नाउ अगर आप फोकस पे लेके आओगे तो इमेज इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। अब फोकस और पोल के बीच में लेके आओगे, ऑप्टिकल बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यहाँ लेके आओगे तो अब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, मतलब लेंस के इसी साइड बनने लगेगी। इन्वर्ट सॉरी वर्चुअल अरे स्क्रीन शो नहीं हो रही। ब्लर 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 रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ आर वन एंड आर टू, सपोज दैट मैंने कहा सर ये एक लेंस है, इस साइड वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर वन है और इस साइड वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर टू है। आप बोलते हो कि सर दोनों तरफ एयर है और यहाँ पे आप देख सकते क्या है, ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी होता है। ठीक है, आप बोलते हो कि सर इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो फोकल लेंथ कितनी आएगी, फोकल लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर। ठीक है, इसमें सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सर इसमें जो आर वन और आर टू होते हैं ना, आर वन और आर टू को भी साइन के साथ रखना। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन जो है वो इस साइड में रखा जाएगा, यहाँ से इधर, आर टू जो है वो इधर से इधर की तरफ में चला जाएगा, राइट। तो इसी को भी ध्यान रखना, एक प्लस एक माइनस भी आ सकता है। अगर आर वन और आर टू सेम है, इफ आर वन और आर टू सेम है, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स के इक्वी कॉन्केव है, अगर दोनों सेम हो गए तो वन बाय आर माइनस वन बाय आर लिखोगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एक आर पॉजिटिव आएगा तो दूसरा आर नेगेटिव आएगा ना, एक इधर की तरफ मेजर किया जाएगा एक इधर की तरफ मेजर किया जाएगा, तो एक माइनस साइन बीच में होना रहेगा जिसमें से वो प्लस हो जाएगा, तो 1 by r plus 1 by r हो जाएगा, यानी 2 by r हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है 1 by x is equal to mu minus 1 into 2 by, नहीं आप बोल सकते हो 2 times of mu minus 1 by r हो जाएगा, अगर दोनों r के हो जाए सेम हो जाए तो ये लिखा है। ठीक है, अब बाकी चीजें आप कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम बातें करेंगे आगे, मैंने कहा लेंथ इक्वेशन जैसे मेरा फॉर्मूला होता था वैसे लेंथ इक्वेशन या लेंथ फॉर्मूला होता है, लेंथ फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। लेंथ फॉर्मूला क्या होता है, 1 by d minus 1 by u equal to 1 by। ठीक है, ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस वगैरह आपको पता है, एक साइड ऑब्जेक्ट पता रखा है, दूसरा इमेज बन रही है, उनकी डिस्टेंस वगैरह आपस में रिलेशन जो पता है वो बेसिकली ये है जिसको हम बोलते हैं। देखिए मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता था और आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे लेंथ फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस रेशियो को आप बोलते हो मैग्निफिकेशन एंड दैट इज इक्वल टू बी बाय ई।
फॉर दी लेंस। मिरर के लिए यही माइनस वी बाई यू आता था, आप बोलते लेंस के लिए यही पे आप बोलते क्या था वी बाई यू, यानी यहाँ पे एक माइनस साइन नहीं आता है जबकि मिरर के लिए माइनस साइन आता है। नाउ एक चीज और दिखा इसको पावर ऑफ लेंस पूरा रहता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होता है दैट इज पी इज इक्वल टू वन बाय एफ। ठीक है, ध्यान रखना एफ यहाँ पे ऐसा यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका पावर ऑफ लेंस की बात कर लिया हमने। नाउ चलिए इसमें कोई दिक्कत, any doubt in this? Take it in class. No sir, sorted in. ये वो है न्यूटन फॉर्मूला, एक प्रैक्टिकल बेसिकली न्यूटन डिस्प्लेसमेंट आपको तो मैटर होता है। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए मैथड यूज किया जाता है प्रैक्टिकल में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मैथड। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट मैथड बोलते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट मैथड कैसे काम करता है, उसमें आप बोलते हो एक ही लेंस की दो अलग अलग पोजिशन पे, मैं दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेथड, राइट, फोकल लेंथ निकालने का तरीका होता है। आपने बोला कि सर एक ये लेंस है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, आप बोलते हो इसकी इमेज बन रही है यहां पर, और मान गया ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है और इमेज के बीच ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। ठीक है, मैंने बोला कि अब मैं इसको थोड़ा और डिस्प्लेस करूंगा और देखा कि लेंस जब यहाँ पे पहुंच जाए तब एक बार फिर से इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है। पहले इस पोजीशन पे रखा था, बोलते हो इमेज यहाँ बन रही थी, आपने इसको डिस्प्लेस किया और लेंस को यहाँ रखा, फिर से देखा इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पर बन रही है दोबारा से। ठीक है, पहले आप बोल सकते हो कि मान लो ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ है ये, ठीक है, इसको आपने बोल दिया या ऑब्जेक्ट की कोई बोल दिया। पहले केस में मान लो आपकी ये बन रही है इमेज I1, और दूसरे केस में आप बोलते हो कि मान लो कि इमेज बन रही है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, पहले केस में इमेज बन रही है I1 और आप बोलते हो दूसरे केस में मान लो थोड़ी छोटी बन रही है, इसको आपने बोल दिया I2। ठीक है, आप बोलते हो कि सर मान लिया इसको कितना डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ा, डी स्मॉल डी डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ा, तो आपने देखा एक ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग लेंस की दो अलग, एक ही लेंस है दोनों अलग अलग सिचुएशन में एक ही जगह पे इमेज बन रही है, तो आप बोलोगे इसका मतलब जो फोकल लेंथ आएगा उसके लिए जो फॉर्मूला बन के आता है वो है डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन फोर डी, बाय मेजरिंग ऑल दी डिस्टेंस यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। माया, पहले आपने बोला इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, इस लेंस को शिफ्ट किया स्मॉल डी डिस्टेंस से, मैंने देखा फिर से इमेज यहाँ बनना स्टार्ट हो गई, तो आप बोले कि वो पोजीशन निकाल ली उनके बीच में शिफ्टिंग डिस्टेंस निकाल ली, और बाय यूजिंग ऑल दिस थिंग वी कैन फाइंड दी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस आप बोलोगे। चलिए, ये होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू रूट आई वन और आई टू, वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और आई वन और आई टू इमेज की दो अलग है, तो मतलब एक ये रिलेशन भी चलता है। ठीक है, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू रूट ऑफ आई वन और आई टू, वेयर आई वन आई टू क्या है आपकी इमेज साइज। ठीक है, ये मेथड भी एक इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या कर दी है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डी क्या है कि लेंथ को कितना शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड और कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ दी इमेज। क्लियर, चलें आगे बढ़ें।
हाँ जी सर, यस सर। बॉर्डिंग का सिलेबस खत्म हो गया तुम लोगों का? किसका सर? बॉर्डिंग सिलेबस खत्म हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। अगर लेंस को हम कंबाइन करके रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर हम लेंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखिए अगर आपने क्या किया कि सर दो लेंस या दो से ज्यादा लेंस आपस में कनेक्ट किए इस तरीके से, ठीक है, आपने बोला कि इस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव पावर कितनी आई, तो आप बोलोगे अगर इनके पावर है P1, P2 और P3, आप बोलोगे सर पावर कैन बी सिंपली एडेड, P1 प्लस P2 प्लस P3, और यू कैन से दैट इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट कितना होगा, वो होगा 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 एंड सो ऑन। अगर इनके बीच में कोई भी इफेक्टिव डिस्टेंस नहीं है, अगर इनके बीच में कोई भी इफेक्टिव डिस्टेंस नहीं है, एकदम क्लोज चिपका चिपका के रखे गए हैं, तो आप बोलोगे जो फोकल लेंथ का रिलेशन या पावर का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपने बोला कि ठीक है सर ये तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा सर अगर अगर आपने बोला कोई भी दो लेंस के बीच की एक थोड़ी सी डिस्टेंस दी है, मानो दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, नाउ इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी, आपने बोला इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसकी फोकल लेंथ है f2, आप बोलोगे अब इस केस में जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगा वो आएगा 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस 2 times of d times of f1 माइनस d times of अगर इफेक्टिव डिस्टेंस कुछ है दो लेंस के बीच में, तो आप इस तरीके से यूज करोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट, यू कैन बेसिकली कंबाइन टू और मोर लेंसेज। अब अगर आपने लेंस को मिरर के साथ कंबाइन किया, किसके साथ कंबाइन किया, मिरर्स के साथ कंबाइन किया, तो कैसे करोगे, कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो आपस में कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर आपने एक लेंस को एक मिरर के साथ कंबाइन किया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये मान लो ये एक लेंस था और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया, ठीक है, इस साइड से तो ये लेंस था, ये मिरर है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस लेंस का जो था बेसिकली ये पता है क्या था, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था और आपने एक मिरर लगा दिया, इसके एक साइड को क्या कर दिया, ऐसे मिरर बना दिया, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर इस लेंस की अगर फोकल लेंथ है एफ लेंस एफ एल बोल दिया, और इस मिरर की जो फोकल लेंथ है आपने बोल दिया एफ एन बोल दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी, दैट इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 2/फोकल लेंथ प्लस 1/ यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, बिकॉज देखो लेंस से ये दो बार लाइट गुजरेगी,
एक बार लाइट जब यहाँ से जा रही होगी तब लेंस पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ टकरा के वापस आएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो बेसिकली लेंस में रिफ्लेक्शन बेसिकली एक बार जाने में और एक बार आने में, दो बार ये लेंस को क्रॉस कर रही होगी, इसीलिए यहाँ पे ये टू टाइम्स आएगा, जबकि मिरर से वो एक ही बार इंटरेक्ट कर रही है, इसीलिए ये मिरर की बात यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो वैसे इस पे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से थोड़े कम पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में तो ऐसा ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट हाँ आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के काफी पूछे जाते हैं, इससे तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, बट हाँ इसके भी पूछे जाते हैं कि अगर आपने एक लेंस की एक साइड को आपने वो मिरर बना दिया तो बताओ इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और बन जाते हैं। मैंने कहा अगर लेंस को कट किया, अगर आपने लेंस को इस तरीके से कट किया और दो इफेक्टिव लेंस बन गए, देखो इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेंगे, तो आप बोलोगे सर अगर इसका फोकल लेंथ एफ था तो इसका भी फोकल लेंथ एफ रहेगा और इसका भी फोकल लेंथ एफ रहेगा। इस टाइप से कट करने पर लेंस के फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर मैंने इनको इस तरीके से कट किया, आप जरा देखो ये कट कैसे हुए, देखो ये कैसा है ना, और ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर आप ऐसे केस में देखो इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है लेकिन ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया, सिमिलरली ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है बट ये वाला चेंज हो गया, तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो इनकी फोकल लेंथ हो जाती है टू है, इसकी फोकल लेंथ कितनी जाएगी टू है, अगर इसका पावर पी है तो इसके जो पावर होते हैं वो पी बाई टू होते। ठीक है, इसलिए आप बोलोगे फोकल लेंथ डबल हो जाती है, फोकल लेंथ कैसे जाती है डबल हो जाती है। तो देखिए अगर आप लेंस को कट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे कट कीजिए या फिर ऐसे कट कीजिए, इस केस में पावर फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जरूर कम हो जाएगी, है ना, पहले पूरा मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा था अब आधे आधे पार्ट से हो रहा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है डार्क विंडो कवर। हाउएवर अगर आप यहाँ से बात करोगे तो सर इस केस में इस टाइप से अगर आप कट वगैरह करोगे तो आपकी क्या होगी, तो आपकी फोकल लेंथ विल रिमेन द सॉरी विल चेंज और वो कुछ ऐसी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डाइव पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो ये तो बातें थी कुछ लेंस के बारे में, इसके बारे में बातें थी लेंस के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इसके बारे में आप बताएंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, बस वही आपको याद रखने हैं और ज्यादा आपको बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसमें किसी कोई दिक्कत सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट इट्स बेसिकली अ कन्वर्टिंग लेंस। एक कन्वर्टिंग लेंस को ही आप क्या बोल देते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल देते हो। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है एफ, डी होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस मिरर, इसका मतलब आप मिनिमम डिस्टेंस इतनी दूर आपका कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए ताकि आप प्रॉपर उसको देख सको, है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विद इन, जो कि आपके नॉर्मल हेल्दी आई के साइड 25 सेंटीमीटर रहती है, मतलब एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस होनी चाहिए बॉडी को किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देखने के लिए, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस विद इन। अब क्या होता है कि देखो आपने बोला कि सर यहाँ पर कहीं आई रखा होता है, यहाँ से आप देख रहे हो, माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो आप लेंस की इधर ही साइड होता है ना, लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कन्वर्जिंग लेंस, तो आप क्या करते हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज भी यही बनेगी। ठीक है, उसको अगर आपको देखना है तो आप बोलते हो इसका जो मैग्निफिकेशन, अगर आपने बोला इमेज कहाँ बनानी है, इमेज बनानी है ऐसी डिस्टेंस विद इन पे, मतलब एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, है ना, अगर आपको अपनी आई से डी डिस्टेंस पर इमेज बनानी है तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + d / f।
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ कब होता है, जब आप बोलते हो कि इमेज बन रही है, फाइनल इमेज जो होती है वो एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, ऐसे केसेस में आपकी आई स्ट्रेस में रहती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब बहुत दूर होती है कोई चीज तो आप बहुत आराम से देखते हो, जितनी पास आती जाती है आपको दूर लगाना पड़ता है। तो जब भी आपको बोला कि एकदम नॉर्मल पोजीशन है, आई बिल्कुल रिलैक्स है, आई रिलैक्स है मतलब इमेज का मतलब बहुत दूर बनी इनफाइनाइट है। अगर आई आपकी स्ट्रेस में है मतलब ये वाला केस हो रहा है, मतलब आपकी इमेज सामने डिस्टेंस बन रही है, राइट। अगर आपसे बोला गया दूसरा केस मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी है, रिलैक्स आई की बात कर रहे हैं, इमेज है इन्फिनिटी, तो आप बोलोगे एम की वैल्यू कितनी हो जाती है, डी बाय एफ। ये दो केसेस आपको रखने पड़ेंगे यार सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, राइट। ये तो बात होती है किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट इट्स अ बेसिकली आप कन्वर्टिंग लेंस। मैंने कहा सर, अगर मैंने कहा कि सर सिंपल ना हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जानते हो, इट्स अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, जो आपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप अपने लेंस वगैरह में देखे होंगे, दे आर बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है, इसमें दो लेंस होते हैं। आप बोलते हो ये छोटा लेंस जो होगा इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको हम बोलते हैं आई पीस। ये आई के पास होगा, छोटा वाला लेंस देखा है आपने, बोला छोटा वाला लेंस एग्जैक्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है ना। तो आप बोलते हो कि सर आपके आई यहाँ पे होगी इसलिए इसको आई पीस बोल रहे हैं, है ना। तो आप बोलते हो इस केस में अगर आप डिस्टेंस मिले पे, पहला केस इमेज अगर कहाँ पर नहीं है डिस्टेंस मिले पे, जो आपकी मैग्निफिकेशन निकल के आता है वो मैग्निफिकेशन कितना निकल के आता है, डी बाई यू इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है, डी बाई एफ ई। एफ ई और एफ ओ का है, एफ ई है आपका आई पीस की फोकल लेंथ और ये है ऑब्जेक्टिव की फोकल, ठीक है। एफ ई बेसिकली आप बोलोगे आई पीस की फोकल लेंथ और एफ ओ है बेसिकली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। वी बाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बाई एफ ओ इंटू वन प्लस वी बाई एफ ई, एक ही बात है, दो फॉर्मूले की बात एक ही है। एल क्या है यहाँ पे सर, ये इसको बोलते हैं एल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हो, मतलब दोनों लेंस के बीच में जो ट्यूब लेंथ है उसको हम बोलते हैं एल। तो आप बोलते हैं इसको इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने कहा सर रिलैक्स आई के लिए बात करो, रिलैक्स आई का मतलब क्या होगा कि इमेज कहाँ बन रही है, बहुत दूर, इमेज कहाँ बन रही है, बहुत दूर। तो आप बोलोगे इस केस से इमेज एंड इन्फिनिटी की बात करोगे तो जो मैग्निफिकेशन आता है वो आएगा वी बाई यू, ठीक है, इनटू डी बाई एफ ई, या फिर आप ऐसे याद रखो एल बाई एफ ओ इंटू वी बाई एफ ई। ये फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे, देखो इसमें ज्यादा कोई कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली कैसे होंगे याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई आपकी माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप का मतलब समझो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप जानते हो क्या होता है, टेलीस्कोप को दूर वाली चीजों को आपको बहुत आराम से देखना है, ठीक है। दूर वाली चीजों को जब आपको आराम से देखना है तो आप उसको बोलते हो टेलीस्कोप। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होंगे, ठीक है। अब इसमें उल्टा होता है, ये लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये होता है आई पीस। आई के पास छोटा लेंस होता है, अगर आप एक टेलीस्कोप को देखोगे तो ऑब्वियसली आप बोलते हो कि सर आई के पास जो लेंस होता है वो कैसा होता है, छोटा। ये होता है दूर की चीजों को देखने के लिए,
इसमें क्या होता है कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा और आप बोलते हो कि रिफ्रेक्शन के बाद इमेज जो बनती है इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसके लिए, अगर नॉर्मल नॉर्मल आई के लिए अगर हम बात करें, नॉर्मल आई मतलब कहाँ पे इन्फिनिटी में इमेज बन रही है, तो जो मैग्निफिकेशन आता है वो बनता है एफ ओ बाई एफ ई। जो मैग्निफिकेशन बन के आता है वो आता है एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और एफ ई मतलब आई पीस की फोकल लेंथ, ठीक है। अगर नॉर्मल विजन की बात करें तो आप बोलोगे बेटे नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आप बोलोगे जो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो एफ ओ बाई एफ ई आता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे दूसरे के लिए स्ट्रेन आईज की बात करोगे मतलब डिस्टेंट विजन वाली की बात करोगे तो आप बोलोगे जो मैग्निफिकेशन बनता है वो आता है एफ ओ बाई एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मेरे को याद रखने हैं। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यार देखो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली यहाँ पे इमेज बनती है इन्वर्टेड, उस इन्वर्टेड इमेज को रियल में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, रियल में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। आप बोलते हो बेसिकली यहाँ पे एक लेंस और लगा देते हैं, तीन लेंस लगा देते हैं, बाकी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यही सब करते हैं। उस लेंस से कुछ भी नहीं होता है, बस उस लेंस से आप क्या बोलोगे कि आपकी जो इमेज है वो इमेज जो होती है वो बेसिकली क्या होता है आपकी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी रियल इमेज में, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से रखा होता है कि सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है e, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से एडजस्ट करते हैं हम इस तरीके से इसको रखते हैं कि सर इसके बाद जो फाइनल इमेज बन रही होती है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, ठीक है। तो उस इमेज का ये इसका सिर्फ इन्वर्ट करके आपको दिखा देता है, और आपको क्या दिखा देता है बड़ी इमेज दिखा देता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ बीच में जो लेंस लगा रहे हो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इमेज को इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, और कुछ भी हेल्प नहीं करेगा मैग्निफिकेशन में, ये रत्ती हेल्प नहीं करेगा। तो मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं वो यही फॉर्मूले आपके रखेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, दो फॉर्मूले होते हैं टेलीस्कोप के भी, दो फॉर्मूले होंगे और माइक्रोस्कोप के भी, एक नॉर्मल विजन और एक डिस्टेंस विजन वाले, ठीक है। नॉर्मल विजन मतलब इमेज काम बन रही है इन्फिनिटी पे, तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर दिया होता है कि वो कौन सा वाला पूछना चाह रहा है, और डायरेक्टली इस पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं एवरी ईयर। रे ऑप्टिक्स से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर आए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी इजी। एक आता है रिफ्लेक्शन वगैरह से, जनरली आजकल एक क्वेश्चन टेलीस्कोप वगैरह से आने लगा है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बातें हो गई बेसिकली टेलीस्कोप वगैरह की। अब बात करते हैं ह्यूमन डिफेक्ट। दो टाइप से ह्यूमन डिफेक्ट होते हैं, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो याद रखने के लिए, मायोपिया इज बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया इज बेसिकली फार साइटेडनेस। सर याद कैसे रखते हैं, भूल जाते हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम। बायो में भी पढ़ा था, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा। तो मैंने कहा देखो याद रखने का तरीका क्या है, आप बोलते हो कि सर हाइपरमेट्रोपिया myopia are like when a person comes too close to you, you say that myopia, अरे this is myopia, right? myopia, जब myopia एकदम पास में आ जाए आपके पिया तो आप क्या बोलोगे, ये तो myopia, ठीक है। so myopia आपको पास में केवल दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। when myopia comes too close to you then only you can see oh myopia, right? so it means short sightedness, मतलब सिर्फ पास की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। अगर दूर की चीजें देखेंगे तो हाय मायोपिया, राइट? आप दूर से उसको हाई कर सकते हो, तो हाय मायोपिया मतलब हाइपरमेट्रोपिया। इट मींस आप दूर की चीजें दिख रही हैं बट पास की चीजें आपको नहीं दिख रही, इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या करें देखो, और आपको करेक्शन के लिए क्या लेंस यूज करना है मैं याद नहीं करूंगा, ये आप खुद बताओ। और आपको इस तरह पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के चश्मा लगे होते हैं घर में, किसी ना किसी को लगे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब आप कॉनकेव
लेंस यूज कर रहे हो तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो, कन्वर्जिंग यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो? हाँ भाई मैंने क्या, देखो ये आपका रेटिना है या लेंस है, लो ये लेंस है और ये रेटिना है, ठीक है। अगर आप बोलते हो दूर से लाइट रे आ रही है, दूर से लाइट रे आ रही है और जब दूर से लाइट रे आती है और वो कहीं बीच में ही कन्वर्ट हो गए, दूर से लाइट रे पैरेलल आती है और वो जल्दी कन्वर्ट हो गई, बीच में कहीं कन्वर्ट हो गई, रेटिना की जगह पे वो यही स्क्रीन बना जाएगी और रेटिना का देखो धुंधली धुंधली बन रही है, इसको बोलते हैं फार साइटेड लेंस। मतलब पहले इमेज बन गई रेटिना से, यहाँ बननी चाहिए थी रेटिना से पहले बन गई, इसका मतलब आप चाहते हो कि सर यहाँ पे कितनी जल्दी इमेज ना बने, आप चाहते हो कि लाइट रे कैसे हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, कैसे हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो आपको कौन सा लेंस चाहिए करेक्शन के लिए, डाइवर्टिंग लेंस, ठीक है। आप क्या करोगे बीच में एक डाइवर्टिंग लेंस लगा दोगे, लाइट रे डाइवर्ट होके कुछ ऐसे पहुंचेंगे, तो जब कन्वर्जन की बात आएगी तो आप कन्वर्जन आपका कहां पे होगा जाके, यहाँ। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, ठीक है, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस चाहिए, तो आपके दुनिया में आपको पता होना चाहिए भाई साहब आपको कौन सा लेंस यूज हो रहा है, आपके घर में किसी को कौन सा लेंस यूज कर रहा है, राइट। मैंने कहा अगर पास की चीजें दिख रही होती तो बस ऐसे समझ लोगे तो फिर मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पास की चीजें देखने में दिक्कत है तो क्या हो रहा है, देखो पास की चीजें होंगी तो लाइट रे ऐसी आ रही होगी, मेरे लेंस की अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनको देखो डाइवर्ट आ रही थी कि इनको कन्वर्ट कर सके, वो कन्वर्जन आपका जो होता है ना कन्वर्ट होगी यहाँ मिल रही है जबकि आपकी स्क्रीन नहीं आ भाई, ऐसी जाने वाली रेस को कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है ना, तो आप बोलते हो कि सर ये जो पास वाली चीज है वो ऐसे आ रही थी डाइवर्ट होके और उनको कन्वर्ट होते होते बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ पे जाके कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे धुंधली धुंधली इमेज दिखेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कन्वर्टिंग लेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक लगा देते हो कन्वर्टिंग लेंस, कन्वर्टिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ऑलरेडी इसको क्या कर देता है थोड़ी सी कन्वर्ट कर देगा और फिर आपकी ये कन्वर्ट प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कन्वर्टिंग लेंस, मतलब आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये आपको करेक्शन के लिए चाहिए होते हैं कि इससे आपको पता होना चाहिए, अब आप देख लो किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है, इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए देन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो प्लस पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि किसको कौन सी बीमारी है, किसको हाइपरमेट्रोपिया है और किसको मायोपिया है, ठीक है। तो ये बातें थी बेसिकली आप बोल सकते हो रे ऑप्टिक्स की, अब रे ऑप्टिक्स में आप एक बार थोड़ी सी थ्योरी वाली पढ़ लेना, थ्योरी वाली आप पढ़ के आप आंसर कर पाओगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वेव ऑप्टिक्स, अगेन वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले है, दो क्वेश्चन मिलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेसिस पे, दो क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब आप ये सोचिए अगर मेरे पास हाफ एन आवर बच रहा है तो आई थिंक हम वेव ऑप्टिक्स हाफ एन आवर में प्योर रिवाइज कर लेंगे, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूले जो आपके हैं बस उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और तीन टॉपिक हैं इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, और इन तीन में से दो पे क्वेश्चन आने आने हैं, कभी कभी तो तीन पे आ जाते हैं, तो भाई साहब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं क्यों ना इनको अच्छे से कर लें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान कर लेते हैं, इसलिए हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। अब वेव ऑप्टिक्स का अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो देखो वेव ऑप्टिक्स क्या हुआ कि पहले लड़ाई हुई, किसी ने बोला न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसने बोला पार्टिकल नेचर बताया, किसी ने बोला नहीं वेव नेचर, तो हाइजन ने आया, हाइजन हाइजन करके एक बंदा आया बोलता नहीं भाई साहब वेव नेचर है, लेकिन न्यूटन की आगे उसकी चलती था, न्यूटन का उस टाइम पे कॉर्पस्कुलर थ्योरी आ रखी थी जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर की। तो हम बात करेंगे कि सर हाइजन ने पहले कुछ बाद में रखे है ना बहुत सारे ऐसे फिनोमेना आए जिसमें ये प्रूफ हो गया कि जो लाइट रे है उसके कुछ फिनोमेना वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जबकि कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर से किए जाते हैं, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है वेव नेचर से नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे डिफ्रेक्शन है इंटरफेरेंस है ये वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाते हैं पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फाइनली सर हम इस चीज पर सेटलमेंट किए कि सर ये दोनों ही नेचर शो करता है,
तो हाइजन ने क्या बोला, हाइजन ने बोला कुछ थ्योरी दी पहले, हाइजन प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, हाइजन ने क्या बोला कोई भी सोर्स होता है, ठीक है, उसने बोला कि देखिए कुछ बेसिक बातें कर ले, एक सोर्स है, ये सोर्स है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, लाइट रे हर जगह रहेगी, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये लाइट रे हर जगह जाएगी, अगर ये लाइन सोर्स है, ये मान लो ये ट्यूबलाइट है, ऐसे वर्टिकल लगा दिए ट्यूबलाइट, लाइट ऐसे जाएगी, अब लाइट रे क्या है, वेव है, उसने क्या बोला कि सर देखिए यहाँ से लाइट रे इस डायरेक्शन में चलना चालू हुई, लाइट रे मान लो ऐसे गई और ये डायरेक्शन में गई तो ऐसे गई, तो ऐसे सारे पॉइंट्स आपने बोला कि सर क्योंकि एक ही डिस्टेंस है, इस पॉइंट सोर्स से सारे ये सेम डिस्टेंस पर है, तो ये सारे पार्ट जो यहाँ पे लाइट रे यहाँ पहुंच रही है, ये सारे के सारे आप बोलोगे सब जगह पे सेम फेज में होगी लाइट रे, ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आप इसको बोलते हो वेव फॉर्म, क्या बोलते हो वेव फॉर्म, सारे सेम फेज वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर लो तो आप बोलते हो कि आप जाके वेव फॉर्म, ये स्फेरिकल वेव फॉर्म बनता है, अगर ऐसे लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से आप बोलोगे कि सर यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये वाले सारे सेम फेज वेव है, वेव की बात करें फेज आपको समझना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपके सेम फेज वाले होंगे, अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूँ तो एक सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म बन जाएगा, सिमिलरली अगर हम पैरेलल की बात करें ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये कैसा बनेगा प्लेन वेव फॉर्म बनेगा, अगर लाइट रे ऐसे जा रही है तो आप बोलोगे इनके सारे सेम वेव कैसे होगा, इनके परपेंडिकुलर ही वेव फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक चीज क्या बोला उसने, जो लाइट रे होती है जैसे लाइट रे दिखाते हो ना, वेव फॉर्म इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेव फॉर्म इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट, अगर लाइट रे मान लो ऐसे जा रही है तो आपको पता नहीं आप वेव फॉर्म ऐसे तो होगा, है ना, तो जब भी लाइट रे ऐसे दिखेगी तो आप एक परपेंडिकुलर प्लेन करोगे जो कि परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान रखना लाइट रे की डायरेक्शन और वेव फॉर्म की डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल होता है, देखो ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल में हाजिर लाइट रे परपेंडिकुलर होगी, है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट रे की डायरेक्शन और वेव फॉर्म, किसी पॉइंट पे आप वेव फॉर्म का शेप ले लो वहां पे हमेशा कैसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, दूसरा उसने बोला कि सर वेव फॉर्म की कोई भी छोटे पॉइंट ले लो, हर छोटे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम कर सकते हैं, वेव फॉर्म पे लाई करने वाले हर एक छोटा पॉइंट जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, एक नए सोर्स की तरह काम करने लगेंगे और आपको लगेगा कि यहाँ से लाइट जनरेट हो रही है और जो कि ऐसे बाहर, इन सारे सेकेंडरी वेवलेट को अगर आप वापस में कनेक्ट करोगे तो फिर से एक नया वेव फॉर्म मिल जाएगा, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको हमने कहा वेवलेट वेव फॉर्म, ये सब टर्म्स हमारे मतलब के होते हैं, हमारे मतलब का जो है बेसिकली सुपर पोजिशन या फिर इंटरफेरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर पोजिशन या इंटरफेरेंस है, अब इंटरफेरेंस के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी दो वेव की बात करते हो ठीक है तो आप क्या पढ़ते हो जब भी दो वेव में इंटरफेयर कर रहे होंगे तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव, वेव फाइव क्या है यहाँ पे दो के फेज डिफरेंस है, ये हम वेव में पढ़ चुके हैं, दो वेव अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, पहली बात तो इंटरफेरेंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स मतलब आप बोलोगे सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, आपके लिए तो क्या हुआ सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे जब दो सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेस को आपस में इंटरफेयर कराते हो तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो ये आती है, अगर आप बोलते हो कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर है उसको आई नॉट बोल दिया, तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो आती है आई फोर आई नॉट ठीक है, आप बोलोगे अगर दोनों के सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो रिजल्टेंट की आती है, मैंने कहा इसमें आई मैक्स कब आएगा कोहेरेंट सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई मैक्स, अगर यहाँ से आई मैक्स निकालोगे तो आई मैक्स की वैल्यू आएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर, और इसके लिए अगर इसके इसमें रखोगे तो दैट विल कम एज फोर आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब बातें हम कर चुके हैं, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आई मिनिमम होती है एंड दैट इज इक्वल टू रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे आई मिनिमम होगी कितनी, जीरो। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन है जो कि हम वेव्स में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हमने इनके बारे में वेव्स में बहुत सारी बातें कर रखी है। हम बात करेंगे यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पे एक क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, जिसको बोलते हैं YDSE। क्या बोलेंगे, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा सर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, देखो कोरेंट सोर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट था, तो उसने क्या किया कि सर यहाँ पे एक फूल पत्ता की लाइट, अब लाइट रे हर तरफ जा रही थी, इसने बोला यहाँ से स्लिट, स्लिट का मतलब समझते हो एक पेज, एक बड़े से स्क्रीन लो और उसमें एक ब्लेड से कट लगा दो, तो जो पतली सी बहुत पतली सी लाइन बन जाती है उसको हम बोलते हैं स्लिट। ठीक है, तो आप बोलते हो जब ये सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है, जब यहाँ से बहुत पतला सा ये ओपन ओपनिंग है, यहाँ से जब लाइट रे जाएगी तो आप ये नए सोर्स की तरह काम करने लगेगी और दोनों सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे। कोहेरेंट होंगे मतलब आप बोल रहे क्या है, इंटरफेरेंस करेंगे। ये स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन है, लिटरली बताऊँ यहाँ पे वाकई में आप बोलते हो यहाँ से अगर लाइट निकल के आएगी, अंधेरे में रखे हुए हैं, सोचो कॉमन सेंस बोला अगर यहाँ से लाइट रे आएगी तो क्या होगा, कुछ रीजन में आपको लाइट दिखेगी, बाकी रीजन में ऊपर खाली और नीचे खाली, ऐसे होना चाहिए, कॉमन सेंस तो यही होता है, बट एक्चुअली सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता। अगर आप बाकी में इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे ना तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे, आप दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा दिख रहा होगा। लिटरली अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक काम करना, YDSE एक्सपेरिमेंट ऐसे यूट्यूब पे सर्च मारना, ठीक है, और उसमें बोलना कि लाइव YDSE एक्सपेरिमेंट या इस टाइप से सर्च करना, तो आप सरप्राइज हो जाओगे देख के कि स्क्रीन पे पता क्या हो रहा था, एक वाइट पैच दिखेगा फिर डार्क दिखेगा, फिर वाइट पैच दिखेगा फिर डार्क दिखेगा, फिर वाइट पैच दिखेगा फिर डार्क, मतलब इसी तरीके से वो फ्रिंजेस बनी हुई दिखती हैं लिटरली। और वही फ्रिंजेस के बारे में बात करना है, मैंने कहा मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी, ये जो डिस्टेंस दे रखी होती है स्मॉल डी, यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी होती है वो होती है कैपिटल डी, ठीक है, ये है बेसिकली इनके सेंटर से पास में लाइन। अब जो लाइट रे यहाँ से देखो, लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगी, एक लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगी, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ तक तो दोनों लाइट रे बराबर पहुंचे, सेम टाइम पे पहुंची यहाँ तक लाइट रे, अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट पे लाइट रे यहाँ से भी आ रही होगी, यहाँ से ये वाले ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी जबकि इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो इन दो लाइट रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया होगा, है ना, क्या हो गया होगा, पाथ डिफरेंस आ गया होगा। तो आप बोलोगे सर जो पाथ डिफरेंस, उस पाथ डिफरेंस को आप बोलते हो क्या बोलते हो, डेल्टा एक्स बोलते हो। यहां से लेके यहां देखो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो सेम है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है, यही तो बेसिकली डेल्टा एक्स है। तो आप बोलोगे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है, आपने अगर ये डी बोला तो ये भी डी निकल के आएगा, तो ये आएगा डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू किसका है, डी साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इसको यहाँ से सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन जो एंगल बनानी है थीटा, और ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, इनके बीच का गैप बहुत कम है, ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा कैन बी टर्न एज थीटा और कैन बी टर्न एज टेन थीटा। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, मैंने कहा सर यहां से ये डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस है ये वाई, तो डेल्टा एक्स कैन बी टर्न एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इनटू डी, डी साइन थीटा कैन बी रिटन एज डी टेन थीटा, और टेन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कैन बी रिटन एज डी परपेंडिकुलर इज बाय अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा डेल्टा एक्स क्या होता है, टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा पाई, बेटा लिखिए क्या, हाँ डेल्टा पाई होता है टू पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा पाई। आप जरा देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये डेल्टा पाई कितना होना चाहिए, याद करो जीरो होगा या टू पाई होगा या फोर पाई होगा या सिक्स पाई, मतलब सेम फेज मान चाहिए। तो आपको बताना चाहिए जो डेल्टा डेल्टा एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, लैम्डा अपॉन टू पाई, ठीक है। आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा पाई, ये तो कंडीशन आ गई, आपने यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो, कंस्ट्रक्टिव डेल्टा पाई जो होता है वो टू एन पाई होता है,
n की वैल्यू 0 1 2 3 2 पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो अगर आप वैल्यू रखोगे यहां पे देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो जो डेल्टा x होना चाहिए दैट इज इक्वल टू लैम्डा n लैम्डा बाय अगर डेल्टा x की वैल्यू लैम्डा 2 का कोई भी मल्टीपल हो ठीक है सॉरी गड़बड़ हो गई क्या हां गड़बड़ हो गया n लैम्डा होगा ठीक है क्या होगा एन लैम्डा होगा तो आप बोलोगे कि सर आपका जो इंटरफ्रेंस है वो कैसा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और डेल्टा एक्स ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल चुके हैं तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा डी वाई बाय डी इज इक्वल टू एन लैम्डा और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वाई क्या है सर इस सेंटर से डिस्टेंस मतलब सर कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम आपको लाइट मिलेगी आप लोग n की वैल्यू 1 रख दो तो आपको देखो पहले तो यहीं पे यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा ठीक है बहुत सारी लाइट मिलेगी फिर डल हो जाएगी यहाँ पे एकदम 0 हो जाएगी लाइट और फिर यहाँ पे एकदम लाइट बहुत ज्यादा मिलेगी फिर डल हो जाएगी आप बोलोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट मिलेगी लाइट का मतलब समझो आपको ऐसे स्ट्रिप मिलेगी लाइट की तो आप बोलते इसको बोलते ये जो सेंट्रल में मैक्सिमम बनेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम और कोई भी दो मैक्सिमम के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लो देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये मिलेगा n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिलेगा ये तो y की डिस्टेंस किसके बराबर हो गई लैम्डा डी बाई डी तो कोई भी आप बोल सकते हो दो ब्राइट फ्रिंज पहले मैं एक काम करूं ब्राइट फ्रिंज की मैंने कहा ब्राइट फ्रिंज कहां कहां मिलेगी ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमम कहां कहां मिलेंगे आप बोलोगे y की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस होती है तो y इक्वल टू 0 पे मिलेगा n की वैल्यू 1 रखोगे तो y पहला इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमम की वैल्यू होगी लैम्डा d बाई डी हो जाएगा और सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू होगी आप बोलेंगे 2 लैम्डा d बाई डी हो जाएगा मतलब ऐसे ही नीचे ऐसे ही ऊपर पहला 0 पे मिलेगा फिर यहाँ पे देखो लैम्डा d बाई डी पे मिलेगा फिर यहाँ पे 2 लैम्डा d बाई डी पे मिलेगा फिर 3 लैम्डा d बाई डी पे मिलेगा यहाँ ब्राइट मिलेगा अच्छा पहला मैक्सिमम कहां मिलेगा इनके बीच में अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूं डार्क फ्रिंज के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आप बोलोगे दैट शुड बी पाई ठीक है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन आएगी तो डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा पाई शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो देखो आप बोलोगे जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2n plus 1 lambda d by 2d तो जब n की वैल्यू को 0 रखोगे तो आपको पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज वो कितने पे आएगा lambda d by 2d पे दूसरा डार्क फ्रिंज किधर मिलेगा आप बोलोगे lambda 2 lambda d by 2d सॉरी 3 और मल्टीपल करेंगे तो आप बोलोगे 3 लैम्डा डी बाई टू डी पे देखो जीरो पे सेंट्रल मैक्सिमम जीरो के बाद ये डिस्टेंस आएगी ये लैम्डा डी बाई डी है और ये लैम्डा डी बाई डी मतलब इसके मिड में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा फिर यहाँ पे क्या मिलेगा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा फिर आप बोलोगे ये कितनी है अगर ये 1 है तो ये 0.5 है ये 1.5 है मतलब फिर से क्या मिलेगा आपको मिनिमम मिलेगा तो इस तरीके से ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम मिलते रहेंगे कोई भी दो कॉन्जुगेटिव ये डिस्टेंस निकाल लो या ये डिस्टेंस निकाल लो आप बोलोगे सर इन दोनों के इसको हम बोलते हैं फ्रिंज वेट बीटा एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी मतलब दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमास के बीच की बात करो या दो कॉन्जुगेटिव मिनिमास के बीच की डिस्टेंस निकालो दैट विल बी सेम एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी ये बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे और कुछ भी ऑप्शन नहीं है ठीक है अगर आपने ये फॉर्मूले बेसिक याद रखे तो आपका काम बन जाएगा अब इसमें एक छोटा सा केस और है तो इसको इसमें कोई डाउट हो तो पूछो भाई साहब इतने फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और क्वेश्चन आते ही आते ये भी ध्यान रखो यहाँ पे देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब 4i मिलेगी यहाँ पे 0 मिलेगा फिर 4i मिलेगा फिर 0 मिलेगा फिर 4i मिलेगा ऐसे ही मिलता चला जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी राइट
चलिए आगे बढ़े। बात करते हैं डिफ्रेक्शन की। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन क्या है बेसिकली? देखो डिफ्रेक्शन भी इसका बेसिकली इंटरफेरेंस ही है। इसमें क्या होता है, एक ही स्लिट है, सिंगल स्लिट होता है, जो भी लाइट आ रही वो यहाँ से आ रही है और सामने वही स्क्रीन होगा। अब होता क्या है इसमें, मैंने कहा देखो ये बहुत सारे वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट के फॉर्म में आप हो सकते हो, इसको कई सारे सोर्सेज ले सकते हो। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है ए या डी, जो भी लेना डी ले लो, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला इसके साथ इंटरफेयर करने लगेगा, ये वाला इसके साथ इंटरफेयर, तो ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटरफेरेंस। डिफ्रेक्शन का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्या है, बेसिकली वो है इंटरफेरेंस है। तो मैंने कहा मान लो ये लाइट रे ऐसे, ये सेंटर वाली लाइन को आप ड्रॉइंग कर रहे हो, ठीक है, एंगल बना रहे हैं, तो आप बोलते हो सर यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा? तो आप बोलोगे जब भी ये कंडीशन होगी कि सर ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यहाँ फिर से आएगा डी साइन थीटा। अगर डी साइन थीटा, देखो थोड़ा उल्टा चलेगा, अगर ये पाथ डिफरेंस वहां पे किसके बराबर था, एन एन लैम्डा के बराबर था, ठीक है, तो आप बोलते हो मैक्सिमम मिलता था यहाँ पे, अगर एन लैम्डा मिलेगा तो आप बोलोगे यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। अगर पाथ डिफरेंस वहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 था तो वहां पे मिनिमम मिलता था, यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, बस ये उल्टा चलता है। आप बोलोगे जब वहां पे जहां जहां मिनिमम मिल रहा था वहां मैक्सिमम मिलेगा, देखो यहाँ पे जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा आ रही थी तब वहां पे मिनिमम नहीं मैक्सिमम मिल रहा था, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, ठीक है। और आप बोलोगे जहां पे यहाँ पाथ डिफरेंस जो है डी साइन थीटा, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आएगा तो यहाँ पे उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। और आप बोलोगे इनकी जो इमेज, आप देखो होता क्या है कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस में आप बोलते हो लाइट रे, देखो ये सेंटर है, ये इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, आप बोलते हो ऐसा चल रहा था, ठीक है भाई साहब, सेंटर मैक्सिमम इंटेंसिटी जीरो, मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम, और आप बोलते हो कि सर सबकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम थी, सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम थी, ये वाला सेंटर था। आप बोलते हो एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी लैम्डा डिवाइड बाय, चाहे इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, दोनों साइड से थी लैम्डा डिवाइड बाय, ठीक है, ये इंटरफेरेंस के केस में होता है। बट जो आप बोल सकते हो कि सो जो क्या कहते हैं डिफ्रेक्शन है उसमें ऐसा नहीं होता, डिफ्रेक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो बहुत ब्राइट होता है। डिफ्रेक्शन में पता कैसा होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और उसके बाद फिर ये बाकी मैक्सिमा छोटे होते चले जाते, तो जो सबसे सेंटर में मिलेगी वो बहुत ब्राइट मिलेगी आपको, वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, राइट। अगर आप बोलोगे जो सेंटर वाली होगी वो बेसिकली क्या होगी, बहुत ब्राइट फ्रिंज होगी, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा डी बाई ए या लैम्डा बाई डी बाई डी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा डी बाई डी, ये तो ठीक है। आप बोलोगे इसकी विड्थ कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाय डी। बट अगर आप बगल वाले की बात करोगे, ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो ये टोटल आप बात करो, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2 लैम्डा डी बाय डी, सिमिलरली यहां पे भी 2 लैम्डा डी बाय डी होगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सर बेसिकली आप क्या बोलोगे कि इसमें और इसमें फर्क क्या पड़ रहा है कि जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा है एक तो उसकी विड्थ बहुत ज्यादा होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बहुत ज्यादा होगी और इनकी विड्थ कम होती चली जाएगी, ये पतली होती जाएंगे देखो, क्योंकि यार ये डिस्टेंस आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस होगी वो कम आएंगे, आप बोलोगे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बहुत ज्यादा होगी और सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ये बेसिक से डिफरेंस है और आपके ये फॉर्मूले आपके उल्टे चलेंगे, बस इतना सा आप बेसिकली आप समझ रखो, प्रैक्टिस कर लो 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना इंटरफेंस और डिफ्रेक्शन के, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा पेपर में, ऐसा तो हो ही सकता क्वेश्चन बने, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, इंटरफेरेंस दो अलग अलग सोर्सेज से कंबाइन होकर बन रहा है, डिफ्रेक्शन एक ही सोर्स के कई सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को आपस में कंबाइन करके बन रहा है, ठीक है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, चलिए कोई दिक्कत नो सर, तो पोलराइजेशन और बचता है, अपन नहीं करते पोलराइजेशन क्योंकि काफी सारी चीजें हो रही एक साथ, पोलराइजेशन बहुत बेसिक सा बहुत ईजी टॉपिक है, 5 मिनट का भी नहीं है, बट एक साथ कई सारी चीजें हो जाएंगी तो अपन नहीं करते, कल आप लोगों का टेस्ट भी है आई गेस, टेस्ट का सिलेबस आप लोगों को अब तो शायद पता चल ही गया होगा, वरना मैंने ऑलरेडी शायद बताया भी था तभी आपको वहीं तक मैंने डीपीपीज दिए हैं, मैं इसलिए एक्स्ट्रा डीपीपी नहीं दी कि आप उनको अच्छे से कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कर लो, टेस्ट स्लिप पे अच्छे से कर लो, जैसे ही ये टेस्ट हो जाएगा मैं आपको आगे के डीपीपीज उसी दिन प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब कल टेस्ट है तो परसों अर्सों तक आपको मैं नई डीपीपीज भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो वेव ऑप्टिक्स में एक छोटा सा चैप्टर बचता है और टॉपिक बचता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है तो मैं कह रहा हूँ हर बार क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए ड्यूअल नेचर बचेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बचेगा और सेमीकंडक्टर, मेन चैप्टर्स हैं वो आपके ए बचने वाला है, ठीक है तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट पड़े उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ भी नया मुझे नहीं पढ़ाना है, सारी वही चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है ड्यूअल नेचर में मुझे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना है बेसिकली, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड न्यूक्ली बेसिकली रेडियो एक्टिविटी और तीसरा सेमीकंडक्टर, बहुत हुआ तो एक नहीं तो मैक्सिमम 2 लेक्चर, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए होंगे, और बाकी आप जितने डाउट मुझसे पूछ पाओ जितने डाउट में आप मुझे लेक्चर में लगा लो वो आता लगे, ठीक है एनी डाउट भैया कोई डाउट है सर इसमें से नहीं है, एक चीज मुझे वैसी पूछनी है, क्या हुआ बेटा मतलब इसमें से नहीं है जो भी पढ़ा है, एक चीज वैसे पूछनी मेरे को बताओ हेल्प कर रहा हूं मैं सर, वो जो हमने इंडक्टर वाला जो पढ़ा था अभी हमने केस वो सीरीज वाला और पैरेलल वाला इंडक्टर को जब हम लोग सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल आपके सिलेबस में नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है, हाँ पूछो तो सर सीरीज वाले में सेंस और एंटी सेंस वाला करा था, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट पैरेलल वाले में भी होता है, नहीं अच्छा वो पैरेलल की बात कर रहे हो, ओके ओके मुझे एसी का याद आ रहा, मुझे लगा आरएलसी को पैरेलल में लगा लो, नहीं वो तो है नहीं सिलेबस में, तो मुझे पता है हां नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको एंटी और क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा पैरेलल वाले में फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं उसमें आप केवल और पड़ता भी होगा तो हमारे सिलेबस से बाहर है, हमारे लेवल पर नहीं है, वैसे तो देखो जो फर्क पड़ता है वो बेसिकली सीरीज में ही पड़ता है, बगल बगल में जब पैरेलल में आप ऊपर नीचे रखोगे तो आप बोलते हो कि उससे जो फ्लक्स लिंक होता है उसमें आज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन ना के बराबर होता है, जीरो ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हो आप, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, ओके सर ठीक है, हम इसलिए वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन लेते ही नहीं है, फर्क तो बाकी बात है हम लेते ही नहीं है, आपने देखा होगा फॉर्मूले में कहीं पे भी एम आई नहीं होगा, क्योंकि सोलेनोइड के बाहर अगर आपको याद हो मैं बता रहा हूं सोलेनोइड के बाहर फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जो फील्ड जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो पैरेलल में लगाओगे भी तो आपस में आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे एक दूसरे में फ्लक्स ना के बराबर होगा, ओके सर ओके देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर।